हेलो फ्रेंड्स, ब्रोसिस आर्ट क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेपर कोलाज वर्क। ये बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें कलर्ड क्राफ्ट पेपर्स और ये कुछ सामान, स्केच पेन, अगर ज़रूरत पड़े तो सीजर्स, पेन, कटर, मास्किंग टेप एंड फेविकॉल। सबसे पहले मैंने ये शीट लिया और उसको मैंने बोर्ड पे मास्किंग टेप की मदद से पेस्ट कर दिया। और ये चार्ट पेपर नहीं है फ्रेंड्स, ये आइवोरी शीट है, ये थोड़ा थिक होता है। इसके ऊपर पेन से बनाना शुरू किया। आप कोई सा भी फिगर बना सकते हैं। एक रफ स्केच बनाना ज़रूरी है। ये देखिए ड्राइंग बन के तैयार है। अब ये पेपर काटना शुरू किया। इसमें जितने तरीके से जैसा भी बनाएंगे उस तरीके से पेपर कटिंग करेंगे, वो आप अंत तक बने रहिए तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले हमने पतले पतले ट्रायंगल्स काट लिए हैं। आप देखिए किस तरह से ट्रायंगल काटे हैं। हर पोर्शन के लिए अलग तरह का शेप करा है पेपर का। कोलाज वर्क में आप हाथ से भी टियर कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने सीजर्स का इस्तेमाल किया है। अब फेविकॉल और वाटर को मिक्स कर लेते हैं, एक पतला सा डाइल्यूट फॉर्म बना लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये शीट थोड़ा मोटा है, इसलिए अगर आप फेविकॉल वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो फोल्ड नहीं होगा। हल्के ब्रश की मदद से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैंने पेपर को सेमी सर्कल में काटा है। देखिए जितने भी कलर्ड पेपर्स हैं आप यूज़ कीजिए, आप अपने हिसाब से यूज़ कीजिए। इसको मल्टी कलर पेपर से यूज़ किया तो ये ब्राइट भी लगेगा, वाइब्रेंट लगेगा। पतले पतले ट्रायंगल शेप में काट करके इसको मैंने पेस्ट करा है।
छोटे छोटे मैंने ट्राइंगल्स काटे हैं ताकि ग्राउंड का लेवल दे सकें। ये सारे पेपर्स मैंने सीजर से कट किए हैं। सीजर से कट करने से फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आती है। अब मैंने पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया और एक साइड से ट्रायंगल काटा। मैंने 3 टाइम्स काटा ताकि इसमें बारीकियां आए। ये ग्रास का फॉर्म दे रहा है, देखिए। इसके बॉडी को ब्राइटन अप करने के लिए और भी छोटे ट्रायंगल्स कट करके यहाँ पे मैंने चिपकाया है। ये इसके बीक के लिए। ये कॉक बन के तैयार हो गया और इसको अभी हम फ्रेम करेंगे। फ्रेम के लिए इसको कारपेंटर के पास से हमने फ्रेम करवाया, ये घर पे तो नहीं कर सकते थे। ये मैसोनाइट बोर्ड लिया है उसके मेज़र का और चारों तरफ से इस तरह से उन्होंने फ्रेम बनाया और ऊपर ग्लास की जगह सेलोफिन पेपर यूज़ करवाया ताकि यह गंदा ना हो और अच्छा भी लगे। अगर आप इस तरह से फ्रेम ना भी करवाएं तो आप अपना अपने तरीके से भी कर सकते हैं, पर ऐसा कराने से थोड़ा सेफ रहता है, आपने जो मेहनत किया वो भी अच्छे से रहेगा। परफेक्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्वस्थ रहें, खुश रहें, स्टे सेफ एट होम। टिल देन, बाय बाय।